नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सुजालपुर अर्निया कला बस स्टैंड पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को शनिवार की रात्रि अज्ञात तत्व द्वारा खंडित कर दिया गया। जैसे ही सुबह प्रतिमा खंडित होने की खबर बजरंग व शिव अखाड़े एवं मंदिर के पुजारियों को लगी, सैकड़ों भक्तों ने आरोपी को शीघ्र पकड़े जाने की मांग करते हुए शुजालपुर आष्टा हाईवे पर जाम लगा दिया। मामले की खबर मिलते ही SDM प्रकाश कस्बे तथा अवंतीपुरा बड़ौदिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों ने हाईवे से तब हटे जब SDM प्रकाश कस्बे ने 48 घंटे में मूर्ति खंडित करने वाले आरोपी को पकड़ने का आश्वासन दिया। चक्का जाम से करीब एक घंटे तक नेशनल हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मंदिर के पुजारी जुगल किशोर तिवारी ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा शनिवार रविवार की दरमियानी रात बस स्टैंड स्थित मंदिर में विराजी माँ दुर्गा की प्रतिमा खंडित की गई। माँ की प्रतिमा का खंडित होना सनातन धर्म पर प्रहार है। आरोपी को शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घटना का आरोपी CCTV कैमरे में कैद होना बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सभी आए, उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि 48 घंटे के अंदर हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और सहयोग आपका रहेगा, कुछ हमारा रह करके हम अपराधी तक पहुँच जाएंगे। परंतु ये है कि अपराधी को जानकारी सबको है, कारण क्या है कि जो हमारे सनातन धर्म के। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।